तो जी आज हम पहुंचे दिल्ली एनसीआर के सबसे सस्ते छोले भटूरे खाने के। छोले भटूरे हैं वो है पहाड़गंज के मशहूर छोले भटूरे। रेट है उनका केवल 30 रुपए। 30 रुपए में आपको दो भटूरे मिलेंगे, छोले मिलेंगे, सैलेड मिलेगा, चटनी मिलेगी। भाई आप तो भटूरे चेक कीजिए, कितना बड़ा बड़ा भटूरा है, क्या बात है भाई। ये देखो जो हमारे दो भाई लगे हुए हैं, हम तो सोचते थे कि हमारे ग्वालियर में ही मिलते हैं। हम ग्वालियर में 30 रुपए में मिलते हैं छोले भटूरे, एक स्टॉल है जो खिलाता है, लेकिन उनके यहाँ की भी क्वालिटी है ना, वो ये क्वालिटी नहीं है यार। देखिए जैसे हमारे यहाँ लोग समोसा कचौड़ी खाते हैं, पोहा जलेबी खाते हैं, वैसे यहाँ पे अभी सुबह है, सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, और लोग यहाँ पे छोले भटूरे का नाश्ता कर रहे हैं। तो 30 रुपए में बहुत अच्छी प्लेट यहाँ पे मिल रही है। आप इनका चार देखिए भाई, क्या बात है भाई। साथ में सैलेड होता है कि भाई प्याज वगैरह यूज नहीं करते नवरात्र के चक्कर में? नहीं नहीं, प्याज नहीं यूज होता। अच्छा, करते ही नहीं, शुरू से ही नहीं करते आप? करते हैं, नवरात्रों में नहीं करते। नवरात्रों में नहीं करते भाई, ये बहुत अच्छी बात है। आप इनका भाई सब पैकिंग करने का तरीका है ना, वो भी काफी अच्छा है। आप देख सकते हैं कि जनरली आप देखेंगे कि जो लोग कम रेट में खाना खिलाते हैं, कम रेट में छोले भटूरे खिलाते हैं, तो वो पेपर वेपर का यूज करते हैं, न्यूज पेपर यूज करते हैं। यहाँ भाई साहब आपको पूरी हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो भाई साहब आपके स्टॉल का नाम है पहाड़गंज के मशहूर छोले भटूरे। अजी तो ये पहाड़ क्या, ये पहाड़गंज वाले पहाड़ है क्या? हाँ, ये छोले भटूरे वाला पहाड़ है। तो भाई साहब एक बार नाम बता देंगे, थोड़ा सा टाइम दे दें आप हमें। सर मेरा नाम मनीष है। कहाँ से भी आप? हम सर गोरखपुर से हैं, यहाँ पे 8 साल हो गए हमें। अच्छा, 8 साल हो गए हैं। पहले क्या दिल्ली में थी आपकी शॉप? हाँ पहले दिल्ली में थी। अच्छा, फिर दिल्ली से यहाँ ट्रांसफर हो गया? हाँ, वहाँ से यहाँ हो गए, यहाँ भी हमें 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो गए हैं। तो टाइमिंग क्या रहती है भैया? हमारी टाइमिंग सुबह 7 से शाम 4 बजे तक। और एड्रेस क्या रहता है भैया? ये एड्रेस है NIT 1 नंबर नाथी चौक। नाथी चौक, हाँ, फरीदाबाद। फरीदाबाद। ये छोले ही है कि मटर है? छोले, छोले होता है ना, मटर नहीं यूज करते भैया। मटर यूज नहीं करते? नहीं। आप तो भाई प्लेट देखिए इनकी। तो भाई साहब 30 रुपए में आपका पर्दा कैसे खा रहा है, आप एक बार बताएंगे मुझे? जब भैया यहाँ कंपटीशन एक तो है, कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है कि यही अगर दिल्ली चले जाओ तो वहाँ 60-70 रुपए से कम में नहीं मिलते, वहाँ नहीं मिलेंगे। पर यार यहाँ पे 30 रुपए में आपका जो सर्विंग का तरीका है ना, वो बहुत बेस्ट है भाई साहब। मतलब ऐसा नहीं है कि अपन कम रेट में खिला रहे हैं जी, तो कुछ भी यूज कर रहे हैं? नहीं, हमारा माल 1 नंबर रहता सर, माल में कोई दिक्कत नहीं है। माल भी अच्छा है, सर्विंग का तरीका भी आपका बेस्ट है। हाँ, तो भैया कहाँ से आते हैं आप खाने के लिए? यहीं से आते हैं भैया। तो आते रहते होंगे आप तो? हाँ जी भैया। तो कैसे लगते हैं आपको यहाँ पे? थी, आप उन्होंने यहाँ शिफ्ट कर लिए। हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम 9 प्लेट पैक कराने आए हैं। अच्छा, 9 प्लेट पैक कराने आए हैं, तो अच्छा बनाते हैं। और आप अगर नंबर देना चाहेंगे तो कितने नंबर देंगे भैया? 10 में से 10 देंगे। तो कोई छोले दोबारा लेना चाहे तो ले सकता है? भाई जब सही बताऊं तो मुझे तो यार ताज्जुब हो रहा है कि आप 30 रुपए में इतना अच्छा खिला रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है भाई, यार तुमने तो दिल खुश कर दिया यार हमारा। ये हमारी छोले भटूरे की प्लेट आ चुकी है, मैं आपको छोले दिखाता हूँ। ये इनके छोले हैं, छोले में मटर का यूज नहीं किया गया है, छोले ही है। साथ में देते हैं हरी चटनी, ये इनकी हरी चटनी होती है। और साथ में आपको मिल जाएगा भाई साहब अचार और सैलेड। भटूरा देखिए आप, तो भटूरा है, काफी थिक है, ऐसा नहीं है कि पतला से ही खिला रहे हो। और इसको एक बार खोल कर दिखा देता हूं मैं आपको, क्या बात है। भटूरे का साइज है, बहुत अच्छा साइज है। और ये प्लेट आप पूरी देख रहे हैं ना, ये प्लेट है मात्र 30 रुपए की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भैया ये 30 रुपए में यार कैसे खिला रहे हैं, कैसे पड़ता इनका खा रहा है, क्योंकि सारा कुछ है, ये सारे आइटम डिस्पोजल यूज करते हैं, किसी थाली में नहीं खिलाते, किसी न्यूज पेपर में नहीं खिलाते हैं। ये इनका बेस्ट पार्ट है, और आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है, साफ सुथरा मिलने वाला है, अच्छा मिलने वाला है। तो फाइनली ट्राई कर लेते हैं यार इनका भटूरा, काफी देखे भटूरा।
लेते हैं भाई। क्या बात है भाई, भटूरे का टेस्ट है ना बहुत लाजवाब है, एक नंबर है। तो नंबर देने की बात थी तो भाई साहब मैं नंबर दूंगा इनको 10 में से 10। क्यों? क्योंकि इनका जो भटूरा है ना टेस्टी तो है ही है, और साथ में इनका जो सर्विंग का तरीका है वो ये बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात, रेट वाइज तो भाई साहब इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। दिल्ली NCR में 30 रुपये में छोले भटूरे, भाई साहब मुझे तो कोई आशा नहीं थी कि 30 रुपये में कोई छोले भटूरे खिलाता होगा, और वो भी इतने अच्छे। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे। अगर आपको भी खाने ये वाले छोले भटूरे तो आप भैया के एड्रेस पे आ जाना, एड्रेस मैं पहले बता चुका हूँ, बाकी डिस्क्रिप्शन में और डाल दूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।